हेलो किड्स सो फाइनली लॉ एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है दिस फॉर्म इज फॉर स्टूडेंट्स ट्वेल्थ ये फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो थ्री ईयर्स कोर्स करना चाहते हैं दैट इज द लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन ये उनके लिए नहीं है नाउ बिफोर वी एक्चुअली लुक इन टू हाउ द फॉर्म इज टू बी फिल्ड कपल ऑफ थिंग्स अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जाम लॉ एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है सेकेंड अप्रैल के लिए uh, को जो फाइव इयर्स के लिए है ठीक है सेकेंड थिंग ये 150 मार्क्स का टेस्ट है एंड 150 फिफ्टी क्वेश्चन आने वाले है यू विल गेट वन ट्वेंटी मिनट्स टू सॉल्व वन फिफ्टी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं है यू हैव फाइव सब्जेक्ट्स

दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ये आप कहीं तो भी लिख लीजिए फॉर एनी टेक्निकल हेल्प दीज आर द कॉन्टेक्ट नंबर दैट यू आर टू कॉल सेकेंड न्यू रजिस्ट्रेशन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इलेवेंथ ऑफ मार्च सो ये याद रखिए एंड प्लीज डो नॉट वेट फॉर द लास्ट डे बिकॉज काफी सारे बच्चे लास्ट डे तक रुकते हैं एंड कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है सो डो नॉट वेट टिल द लास्ट डे एज सुन एज पॉसिबल आप ये फॉर्म भर लीजिए

एग्जाम डेट अभी तक यहां पर कोई अपडेट नहीं आए हैं यस सेकेंड अप्रिल को नोटिफिकेशन में डेट अनाउंस हो चुकी है लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग नाउ वेन यू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन दिस योर ऑब नॉट रजिस्टोर योर सेल्फ ऑलरेडी सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे दें दिस स्क्रीन विल पॉपअप नाउ दिस स्क्रीन में देर आर सेवनटीन प्री रेक्ट जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं बिफोर यू मूव ऑन टू यू नो पुडिंग इन योर इंफॉर्मेशन सो ये प्री uh, है प्लीज रीड दम केयरफुली एंड देन यू नो यू क्लिक ऑन आई हैव रेड बट यूजली हम जो ऐसे करते हैं कि बिना पढ़े आई हैव रेड आई अग्री एक्सेट्रा क्लिक करते हैं वैसे नहीं करना है प्लीज पढ़ लेना ये कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे अगर फीस फॉर फॉर्म फिलिंग जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है एट हंड्रेड फॉर दिस बैकवर्ड क्लास कैटेगरी इट इज सिक्स हंड्रेड रुपीज देन फॉर दे आई हैव टोल्ड यू की आपका लॉग इन आई डी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है दिस इज वेयर दे हैव हैव सेड इट देन दे सेड प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर यू सबमिट द फॉर्म सो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार वेरीफाई करना देन दे हैव सेड कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में भर रहे हैं दैट शुड बी ट्रू एंड करेक्ट Uh, they have also asked you to keep a photograph, a signature, and uh, your uh, Aadhaar card details ready. Aadhaar card, any document you're going to submit as your ID proof. Yeah. So all that, all those things are given here. Seventeen prerequisites. Please read them carefully. Then you click on I have read, I accept, and proceed. When you click on I accept and proceed, this is the screen that will pop up. Now, is screen. Pe, आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इट्स योर नेम नेम में पहला आएगा फिर आपका नाम एंड देन विल बी योर फादर्स नेम प्लीज फिल दिस इन दिसन योर फादर्स नेम पूरा नाम नहीं डालना है नेम the यहां पे जेंडर इज योर जेंडर

इंग्लिश हिंदी मराठी तुलु तमिल ये सारे यहां पे यू जस्ट सेलेक्ट योर मदर टंग नेशनैलिटी इंडियन नेक्स्ट दिस इज वॉट एवसनो टॉक अबाउट रीजन टू विच यू बिलोंग तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि रूरल या अर्बन टू ऑप्शन दैट इज अ ड्रॉप डाउन रूरल या अर्बन दैट ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट अब उसी पेज पे नीचे ये नीचे का स्क्रीन है इट्स नॉट योर नेक्स्ट पेज वंस यू फिल्ड इन योर इन्फॉर्मेशन एज ए नेम जेंडो नैशनैलिटी वेन यू कम टू नेशनैलिटी आफ्टर दिस इज दशन ऑफ एड्रेस नाउ इफ योर परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस इज डिफरेंट देन यू हैव टू फिल इन बोथ सो वी स्टार्ट विद परमानेंट एड्रेस एड्रेस वन दिस इज लाइक योर पोस्टल एड्रेस तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप तालुका स्टेट पिन कोड ये सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे डिस्ट्रिक्ट वंस यू फिल इन दिस स्टेट यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र डाल दिया है तो डिस्ट्रिक्ट का एक ड्रॉप डाउन आएगा ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र उस ड्रॉप डाउन में होंगे ये सारी information भर देना आप। पे अगर आप देखोगे तो मोबाइल नंबर है प्लीज जो मोबाइल नंबर है handy है, आपके साथ है वही मोबाइल नंबर बिकॉज इसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा देन इज योर ई मेल आई डी यू फिल इन योर ई मेल आई डी वो द थिंग्स दैट इज योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दैट इज योर मोबाइल नंबर एंड योर ई मेल आई डी

नाउ नेक्स्ट इज अगेन उसके ही नीचे आएगा ये वाला स्क्रीन दैट इज चूज पासवर्ड इसके लिए उन्होंने ये सारे यू नो रूल्स दिए हुए हैं हाउ द पासवर्ड मस्ट बी टू एन कैरेक्टर्स होना चाहिए एक यू नो इट शुड बी वन अपर केस कैरेक्टर वन लोअर केस कैरेक्टर देन यू शुड हैव वन स्पेशल कैरेक्टर ये सारे रूल्स को लेकर एक पासवर्ड आप बना दीजिए ओके यू एंटर द पासवर्ड यू ऑल्सो हैव टू कन्फर्म द पासवर्ड कॉपी पेस्ट नहीं करना है ये होगा नहीं कॉपी पेस्ट कपल ऑफ थिंग्स और कुछ ईजी सा लेना ये सारे रूल्स को लेके कुछ ईजी सा लेना एंड दैट पासवर्ड अब कहीं तो भी नोट डाउन करके रखना इफ पॉसिबल शेयर इट विथ योर पेरेंट्स या आई नो दे पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना बट समे यू नो विथ समान यू नो हु यू ट्रस्ट उनके साथ ये पासवर्ड अब शेयर करना रख देना उनके साथ जस्ट इन केस आपका अगर पासवर्ड मिसिंग है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टूट पर्सन एंडवर्ड सो पासवर्ड नोटेड इज यन आई डी लॉग इन आई डीकेशन बीवन टू यूल इट इन तो आपने पासवर्ड डाल दिया चलो कन्फर्म कर लिया आपको ये डालना है सिक्योरिटी uh, पिन ये सेंसिटिव है तो आपको कैपिटल जो होगा अपर केस में जो होगा वो अपर केस में ही डालना है सो so, येस yes. ंग फॉर्दर नाउ वेरीफाई वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे जो आपने नंबर दिया हुआ है उसी पर आपको एक ओ टीपी आएगा आपको वो ओ टीपी यहां पर डालना है दिस इज द लास्ट स्टेप वंस यू कंफर्म योर ओटीपी देन यू आर गिवन एन एप्लीकेशन नंबर आई मेन्शन दैट सो एप्लीकेशन नंबर इज ऑलमोस्ट लाइक योर लॉग इन आई डी एंड जो आपका पासवर्ड आप ने एंटर किया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी योर पासवर्ड सो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डन देन वंस यू हैव गॉट योर एप्लीकेशन नंबर इसको भी कहीं तो भी नोट डाउन करना दिस यू विल नीड थ्रू आउट प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है स्टेप्स टू इट्स अ लॉन्ग चलिए डन ओके यू आर डन विद यू नो फिलिंग इन ऑल डिटेल्स उसके बाद सो so पे इस स्टेप तक आप आ चुके हो यू स्टिल हैव ऑल स्टेप्स टू गो सो ना वेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन यू गेट एप्लीकेशन नंबर एंड योर पासवर्ड यू हैव टू फिल इन ऑल दीज डिटेल्स एंड यू से साइन इन जब आप साइन इन पे क्लिक करते हो सो दिस इज द विंडो दैट पॉप्स अप ये विंडो रजिस्ट्रेशन सी यू कैन सी दिस कंप्लीट एज एन वेन आप इंफॉर्मेशन डालते हो या फिर वो स्टेप कंप्लीट करते हो ये कलर ग्रीन होता जाएगा राइट वन बायो चलो तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हो गए लॉग इन आई एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर हो गया पासवर्ड हो गया चलो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वी आर डन ना वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विंडो सो यू हैव टू क्लिक है कैंडिडेट्स और टाइप इस पर क्लिक करोगे दैट्स योर स्टेप चलिए नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर टाइप ऑफ कैंडिडेट ऑफ ओके उसमें ड्रॉप डाउन है ड्रॉप डाउन उसमें होगा टाइप ए बी सी डी ई एंड ओ एम एस दैट्स आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स नाउ इसमें जब भी आप टाइप ए क्लिक करोगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन आएगी वॉट एक्जैक्टली इज टाइप एके दे वेन यू क्लिक ऑन टाइप बी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी वॉट इज टाइप बी तो जैसे ही आपको वो एक्सप्लेनेशन आता है कि वॉट इज टाइप ए आप देखोगे की डू यू फिट इन इन दैट टाइप ओके सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इज द कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र ओके और द कैंडिडेट हु इज बॉर्न इन महाराष्ट्र यहाँ पे सो दैट पर्सन वुड बी अ टाइप ए स्टूडेंट सो आपको अकॉर्डिंगली वहां पे सिलेक्ट करना है इफ यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट तो आपको ओ एम एस सिलेक्ट करना है इजी देन कैटेगरी डिटेल्स आई शो यू द कैटेगरी डिटेल्स टे हो यस दी एस टी डी एन टी वन एन टी टू एन टी थ्री ओबीसीट आपके पास होना चाहिए ओके प्लीज रिमेंबर दैट सो दिस इज योर कैटेगरी यू सिलेक्ट योर कैटेगरी आई यू पर्सन विथ डिसबिलिटी नाउ डिसबिलिटी अगेन देर इज अ ड्रॉप डाउन इट the drop down is yes no now when you select if, if in case you have some disability or a yes select karte ho, to please ensure that you have a disability certificate jahan aapki disability is more than 40% okay Wo certificate hota hai, you have to have again no diya so obviously you don't have to submit anything do you belong to minority category and then eligibility qualification i'll take you through both minority category this is

एच एस सी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा लाइक आई सेट ये फॉर्म बस ट्वेल्थ स्टैंडर्ड uh, के बच्चों के लिए है इधर अपियरिंग ऑर एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा बिकॉज ऑवस्ली दिस डिप्लोमा इज आफ्टर टेंथ सो ये दो साल का डिप्लोमा होता है सो इवन दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल ये दो आपको सिलेक्ट करना है एच एस सी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्योंकि मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो उसमें एच एस सी आया अगर कोई और बोर्ड होता है आपके स्टेट के बेस पे वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ओके सो वी आर डन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन चलिए आगे बढ़ते हैं देन यू विल हैव टू फिल इन योर टेन्थ स्टैंडर्ड डिटेल्स आपको सारे डिटेल्स डालने हैं बोर्ड से नाउ वेन यू एक्चुअली एंटर योर नेम राइट एंड वेन यू कम टू द स्क्रीन अगर आपका यू नो इफ इफ उनके पास रिकॉर्ड्स है तो दे विल बी एबल टू रिट्रीव योर रिकॉर्ड टेंथ स्टैंडर्ड की अगर नहीं है डू नॉट पैनिक इट विल दे दे जस्ट बी अ पॉप पॉप अप की योर रिकॉर्ड्स आर नॉट फाउंड एंड देन गिव यू दिस अप आपको टेंशन नहीं लेना है मैन्युअली आपको ये सारा एंटर करना है वोट आई वो एंटर बोर्ड का नाम जैसे मेरा महाराष्ट्र है यू नो बोर्ड स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड नेम इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वहां पे भी ड्रॉप डाउन होगा जो जो ऑप्शंस है देन मार्क्स ऑपटेन आउट ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज

No, बच्चे बोलेंगे कि अच्छा मैम हमने वी आर अपियरिंग सो यू एंटर इट एज अपियरिंग वहां पे अगेन अपियरिंग ओके अपियरिंग आएगा yes. so, वाला ऑप्शन आएगा यू जस्ट हैचएस के डिटेल्स इफ यू already appeared सो so, आपको अगेन द सेम थिंग दे लास्ट यू फॉर योर मार्क्स डेट ऑफ पासिंग ईयर ऑफ पासिंग एक्सेट्रा सीट नंबर स्कोर या चलिए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन यहाँ पे आपको इफ यू सी दर थ्री ड्रॉप डांस राइट नाउ इट्स इट्स आस्किंग यू फॉर सेंटर प्रेफरेंस एम एच सी टी लॉ एंट्रेंस आपको सेंटर पे जाके देनी है बहुत सारे सेंटर्स हैं इनफैक्ट दूसरे स्टेट में भी सेंटर्स है

लेकिन आपको तीनों अलग अलग ऑप्शन आएंगे सो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ड्रॉप डाउन अगर मैंने पुणे सेलेक्ट किया है तो सेकेंड ड्रॉप डाउन में पुणे नहीं आएगा ओके आर जस्ट आस्किंग्रॉक्सिमिटी में क्या है ड्रॉप डाउन सी given जस्ट the अदर states गुजरात है जम्मू कश्मीर झारखंड कर्नाटक, मध्य प्रदेश राजस्थान ऑल दीज options आर there। सो so, यहां से आप कुछ भी select कर या महाराष्ट्र में जो कि में आ जाएंगे यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड अपलोड योर सिग्नेचर इट्स वेरी इजी आपका कोई भी फोटोग्राफ है आप बस यू नो सिग्नेचर भी जस्ट काइंड ऑफ आप एक पेपर पे साइन कर लो उसका एक फोटो निकाल लो

स्क यू फॉर द डॉक्यूमेंट वॉट डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होता है यू सिलेक्ट पैन कार्ड है ड्राइविंग uh, लाइसेंस है आधार कार्ड है सो यू सिलेक्ट योर आई डी प्रूफ आपको क्या आई डी प्रूफ देना है फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड यू ऑल्सो हैव पासपोर्ट आपको जो देना है आप दे सकते हो देन आधार कार्ड यहाँ पे देन यहाँ पे क्लिक करके यू हैव टू अपलोड अपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट ठीक है सेव एंड प्रोसीड अगेन दे हैव अ फ्यू थिंग्स योर नाउ आपको सारे डिटेल्स वेरीफाई करने हैं ये सारे भरने नहीं है वापस यू हैव टू जस्ट वेरीफाई ऑल दीज है अगर आपको कहीं एडिट करना हो यू कैन सी दिस क्लिक हियर टू एडिट यू जस्ट हैव टू एडिट इट इफ यू नीड टू एडिट इट यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर टू एडिट ओके चलिए फोटोग्राफ अगेन दिस ऑल्सो इफ यू टू एडिट यू हैव टू क्लिक ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर एडिट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज दैट इज आई यू शो यूट प्रोसीड विदेमेंट ये यू गोड विदेमेंट एंड सेट या दे महाराष्ट्र कोई कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे अमाउंट आएगी एट हंड्रेड रुपीज दट माई रजिस्ट्रेशन फीस Like I said, agar backward class, your registration fees is 600. Yes. So I hope you're clear on how you need to fill your form. You will get the link in the um, section there below. Okay. So click on that link and it will take you through all these steps. Now, all the best. And your exam is on the second. Plan your studies well. Bye-bye.